नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध, प्रॉफिट की बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज हम आए गाँव नारनौंद में, जो कि उचाना के बाद सबसे हॉट सीट है। कैप्टन अभिमन्यु यहाँ से खड़े हैं और बहुत ही जेजेपी और बीजेपी की यहाँ सुनने में आई है बहुत टक्कर है। तो आज लेंगे लोगों के रुझान, क्या कुछ मिजाज है लोगों के यहाँ पर, करते हैं बात। राम राम जी भाऊजी। राम राम भाई, सब ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। क्या माहौल सा बनता जी क्या नारनौंद में? माहौल तो भाई नारनौंद में बढ़िया है, सभी का बढ़िया। फिर ज्यादा तो दो ही पार्टियां का मुकाबला। कौन कौन सी? कांग्रेस का टिकट सही जगह पर कोई नहीं गया। अच्छा जी। नहीं तो कांग्रेस वाला उम्मीदवार भी अच्छे मुकाबले कर रहे। अच्छा जी। ये तो कांग्रेस वाला उम्मीदवार थोड़ा सा हड़का पड़ गया, दो ही पार्टियां का, जेजेपी और बीजेपी। फाइट है? फाइट बढ़िया, दोनों आगे है, नहीं जीत जात किसी की सुनिश्चित नहीं है, मुकाबले बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। दोनों कैंडिडेट खूब मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का फल जो ज्यादा करेगा उसने ज्यादा मिलेगा जी जी। और कोई पार्टी फाइट में दिखती हो? और तो भाई, और तो ले वोट तो खराब करेंगे, फिर मुकाबला तो इन दो ही पार्टियां में होगा। अच्छा, और कोई रुझान में नहीं है? रुझान में नहीं है, पार्टी सत्ता में है, बीजेपी सेंटर में भी है, आड़ भी सही हथकंडे अपनाओगी किसी हथकंडे अपनाओगी आने की संभावना है बीजेपी वाला उम्मीदवार की। कैप्टन साहब ने काम करवाया नारनौंद में? कैप्टन साहब ने सार्वजनिक काम तो हर बार हर सरकार करवाओ भाई, कैप्टन साहब ने कोई नया काम नहीं करया। अच्छा, सारे काम से नहीं है तो है नहीं, रूटीन में होते रहे हैं। रूटीन के काम है वो करवाए हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह, बीरेंद्र सिंह ने के थोड़े काम करे। अच्छा जी। अच्छा, ये कांग्रेस ने गंदी कहो है, बीजेपी वाले कांग्रेस भी गंदी नहीं है। सुई तक नहीं थी इस देश में, या उस जगह से लेकर यहाँ तक आई है आजादी के बाद में, इन्हें तो सब कुछ मिला मिलाया, पूरा का पूरा सारे भंडार मिले बीजेपी ने तो। और कर्जदान तो इन्हें भी बतेरा करे, अब जीत से बेसिंग जाइयो भाई, काम तो नुआ हुआ सारी पार्टियां में। चलो, मुकाबले दो पार्टियां के। ठीक है, जेजेपी बीजेपी। जेजेपी और बीजेपी। चलो ठीक है जी भाई साहब, धन्यवाद। भाई साहब राम राम। राम राम। और ठीक ठाक है? जमा एक नंबर। के रुझान है नारनौंद में? रुझान गटर पैड़ दे कैप्टन की गीड़ है। अच्छा, पिछली सारी कमी पूरी करोगे? पूरी कर दे जमानो एक नंबर की। अरे कन्ना बैठाओगे जमा? पूरा जमानो। अच्छा अच्छा। और कोई पार्टी टक्कर में? कोई सी को नहीं, आड़े बस दुष्यंत चल रहा है। दुष्यंत जेजेपी और बीजेपी? हाँ जेजेपी है, बीजेपी का मार गोली जेजेपी गड़े। अच्छा, बीजेपी गड़े जेजेपी है, जेजेपी धमाकेदार। हाँ, धुम्मा ठा रखी है। हाँ, धमा धमाके। अच्छा, और कोई टक्कर में दिख दी हो पार्टी? टक्कर में कौन होता, कोई नहीं जेजेपी का, कोई टक्कर में नहीं, कोई टक्कर में नहीं। अच्छा चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद भाई। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। राम ठीक ठाक है? बढ़िया जमा। नारनौंद में क्या रुझान से दिखे, कौन सी पार्टी दिखे कोई टक्कर में? देखो टक्कर तो जेजेपी की और बीजेपी की है, लेकिन आज के दिन बीजेपी जो है वो जेजेपी से बहुत आगे चल रही है। आज के रुझान के हिसाब से? आज के रुझान, चाहे आज वोट डलवा लो, आज भी बीजेपी कैप्टन साहब चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, और जेजेपी? जेजेपी तो तीसरे नंबर पर भी आ सकती है। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन सी है? दूसरे नंबर पर कांग्रेस भी आ सकती है, बाकी बीजेपी का किसी के मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अगर पूरी नजर मारे हल्के के मेरे गांव में कि बीजेपी के शायद कोई मुकाबले में है। अच्छा, कोई टक्कर में लग दी नहीं? ना टक्कर नहीं लग दी किसी की। कैप्टन साहब ने काम करे हैं जी नारनौंद में? नारनौंद में कामों की पिछले 50 साल से जितने काम इस 5 साल में हुए, पिछले 50 साल में नहीं हो पाई। अच्छा ठीक है जी भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम। और ठीक ठाक? ठीक ठाक। के रुझान है नारनौंद में? नारनौंद में कैप्टन आ गए है भाई। कैप्टन जी आगे चल रहे हैं? आगे चल। दूसरी पार्टी कोई फाइट? दूसरी पार्टी है गौतम। गौतम जी कौन सी पार्टी थे? जेजेपी थे। जेजेपी थे, फाइट है दोनों की? दोनों की टकरे है, मतलब अभी मीनू फिलहाल है आगे है। अच्छा, अभी रुझान में आगे है? आगे है। अच्छा, और पार्टी आईएनएलडी कांग्रेस? और कांग्रेस ने तो पूछ दिया है कोने वाला कि यू पेटवाड़िया खड़िया से नहीं। अरे बीएसपी बीएसपी और पार्टी और बीएसपी वाला कुछ नहीं। अच्छा, यू मतलब एनएलओ वाला की भी है कुछ? अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है भाजी, धन्यवाद। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। और ठीक ठाक? हां बढ़िया भाई। ये नारनौंद में के रुझान से लागे जी? भाई साहब गौतम का प्रोग्राम बढ़िया लग रहा है। कौन सी पार्टी था भाजी? ये मेरे ख्याल चौटाले वाली पार्टी से भाई। जेजेपी? हाँ जेजेपी से। अच्छे रुझान से बनते दिखे? हाँ ठीक है जी। वैसे कैप्टन की भी बढ़िया है, कैप्टन की भी अच्छी है रुझान से। हाँ। अच्छा, क्योंकि फाइट लग दी हो? ना कोई नहीं कह सकते, मुकाबला तगड़ा, दोनों का तगड़ा मुकाबला है। हाँ। जेजेपी बीजेपी का? हाँ। और पार्टी कांग्रेस आईएनएलडी? ये कौन है नजदीक गौतम है इनमें तो? जेजेपी आगे कौन सा लागे आपके हिसाब से?
जेजेपी है लगभग, तो जेजेपी आगे है कैप्टन साहब। हाँ जी, अच्छा अच्छा, वैसे फाइट है। हाँ जी, चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई साहब, ठीक ठाक है? ठीक है भाई साहब। नारनौंद में क्या रुझान से बनते दिखे जी, कोई पार्टी की टक्कर सी लागे किसी के लिए? हाँ टक्कर लागे, क्यों लागे जी? बीजेपी की, जेजेपी की। रुझान से किसके लागे ऊपर ले? दोनों आगे बराबर है, फाइट है जेजेपी बीजेपी की। हाँ, और पार्टी आगे रुझान से है, कांग्रेस भी, एसपी, एनएलडी और बतेरी है? ना इनका कोई रुझान, कोई रुझान नहीं है। दोया में टक्कर सी बात जाएगी बीजेपी जेजेपी? बीजेपी। ठीक है जी, ठीक है भाई साहब। राम राम। राम राम। और ठीक ठाक है? ठीक है जी। क्या माहौल था बनता दिखा है नारनौंद में? रामकुमार गौतम बनेगा। कौन सी पार्टी? जेजेपी। जेजेपी हाँ। अच्छा रुझान है? अच्छा रुझान, तकड़ा तकड़ा। कैप्टन साहब का क्या लागे है? डाउन है। डाउन है फिलहाल जेजेपी? और पार्टी आगे रुझान है? और कोई को नहीं, रामकुमार गौतम की फाइट है जेजेपी और बीजेपी? बीजेपी आगे जेजेपी दिखे है। अच्छा, और पार्टी? और पार्टी को नहीं, बस इन दोनों आएगी टक्कर रहूगी। अच्छा 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 अच्छा, जी में काम करवा रखे हैं कैप्टन साहब ने? कुछ नहीं करवा रखे, कोई काम नहीं। चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई साहब। और ठीक ठाक है? ठीक है जी। नारनौंद में क्या रुझान सा बनता दिखा, कौन सी पार्टी? रामकुमार गौतम बनेगा भाई साहब। कौन सी पार्टी था? जेजेपी था। और कैप्टन साहब का? कैप्टन साहब ने काम तो कौन करवा रखे, कौन रुझान सा बनता दिखता है इसने? ममता मारा रामकुमार गौतम ने जितावांगे। अच्छा, अच्छे रुझान से है। हाँ, इन दोनों आगे टक्कर है, जेजेपी और बीजेपी की फाइट है। हाँ, और पार्टी आगे रुझान सा? पार्टियां को रुझान नहीं, कोई खास रुझान नहीं है। कांग्रेस रही, एनएलडी रही? ना ना, कांग्रेस का उम्मीदवार है बढ़िया कौन भाई साहब। अच्छा, फाइट दोया में जेजेपी? हाँ, जेजेपी मेरे को कैप्टन अभी मनु में बस। चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद जी भाई साहब। राम राम। राम राम भाई साहब। राम राम, ठीक ठाक है? बढ़िया एकदम। नारनौंद में क्या रुझान से दिखे, कौन सी पार्टी दिखे आवेगी जी, की उम्मीद सी लग दी हो? भाई काम तो हरियाणा सरकार ने करवा रखे हैं जो वर्तमान में है। अच्छा जी, बीजेपी ने? उसे की उम्मीद ज्यादा दिखे है बीजेपी की। हाँ जी। और कोई टक्कर थी दिखती हो किसी में बीच में आपस में? हाँ, सेकंड पोजीशन जिसे की लागे जेजेपी की, और पार्टी कांग्रेस बाकी तो बाकी दूर है जी, काफी बाकी दूर है। हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी ने काम करवा रखे हैं सरकार ने? बिल्कुल जी, बहुत जन कल्याणकारी कार्य करवा रखे हैं। अच्छा, चलो ठीक है जी भाई साहब, धन्यवाद। भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब, ठीक ठाक है? ठीक जी, बिल्कुल जी। या नारनौंद देखिए कुछ रुझान से लागे जी? नारनौंद से भाई साहब कैप्टन आगे चल रहे हैं। किससे आगे चल रहे हैं जी? रामकुमार गौतम से। रामकुमार जेजेपी से? हाँ जेजेपी से। जेजेपी कितना आगे होगा जी आपके हिसाब से? फिलहाल तो 20,000 वोटों से आगे जी। अच्छा, कैप्टन साहब 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अभी? हाँ जी। कि मैं फाइट लाग दी हूँ आपस में किसी पार्टी के लिए कैप्टन साहब की? ना फाइट के जीत रहेगी जी। अच्छा, कैप्टन साहब जीत रहेंगे जेजेपी से? और कोई पार्टी दिख दी हो जी टक्कर में? टक्कर में कोई को नहीं, जेजेपी है। जेजेपी से ज़्यादा तो जस्सी पेटवाड़ ले होगा वोट। वो कौन सी पार्टी से है जी? इनेलो से। अच्छा अच्छा, उनके भी अच्छे रुझान है? हाँ, रुझान अच्छे हैं। जस्सी का खुद का संपर्क है। अच्छा जी, अच्छा। पार्टी का भी है, जस्सी के साथ में 70 गाड़ी चलती है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, रामकुमार गौतम के साथ में 4 गाड़ी चला। एनएलडी से है जी वो? INLD से। अच्छा रुझान उनका भी? हाँ, रुझान अच्छा है जी। तो कैप्टन साहब ने काम करवा रखे जी नारनौंद में? हाँ, सार्वजनिक काम खूब हो रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई साहब। और ठीक ठाक है? एकदम आनंद है, आप बताओ। यहाँ नारनौंद में क्या रुझान से है जी? पहले तो आपकी टीम का नारनौंद नगर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कुछ रुझान से दिख रहे हैं जी आप? रुझान तो यहाँ गौतम साहब का गांव है जी, और क्लियर जीत है गौतम साहब की। कौन सी पार्टी से हैं जी? जेजेपी पार्टी, जननायक जनता पार्टी। अच्छे रुझान है जी? बहुत बढ़िया, एक तरफा जीत है। और कैप्टन साहब का क्या कुछ रुझान है जी? कैप्टन साहब का विरोध है जी। अच्छा अच्छा, काम नहीं करवाया कैप्टन साहब ने? नहीं, काम नहीं, उनका जो व्यक्तिगत संपर्क था, जो पुराने उनके वर्कर थे, टीम थी जो जीताया था पिछली बार, तो वो उन्होंने उनको मान सम्मान नहीं दिया। अच्छा जी, अच्छा। जो एक आदमी इज्जत चाहता है आ बैठ की, वो नहीं कर पाए। अच्छा, उनका जो बर्ताव था वो एक घमंडी टाइप का रहा, बता रहे। अच्छा, तो कुछ फाइट में दिख दे कोई पार्टी जेजेपी के साथ? जी, मेरी नज़र में तो कैप्टन साहब हैं, लेकिन वो नज़दीक नहीं है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, फाइट में नहीं। रुझान ज़्यादा जेजेपी के हैं? मैं तो मान के चल रहा हूँ एकदम जीत है। चलो, और बहुत अच्छे वोटों से जीत है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। राम राम जी बाबूजी। राम राम भाई साहब। ठीक ठाक है? ठीक है भाई साहब। आप क्या कहोगे जी, क्या कुछ रुझान? हाँ जी, जेजेपी जीतेगी जी। अच्छा, अच्छे रुझान है? हाँ, खूब है जी। हाँ, और पार्टी भी रही INLD कांग्रेस, इनका क्या रुझान? दोहरे भी कोनी? हां, एक तरफा जमा। अच्छा जी, अच्छा। हां, कि मैं काम करवाए सरकार ने? आज काम करवाए जी बतेरे जी। अच्छा, फिर आप अपने करवाए, लोगों के नहीं करवाए? अच्छा जी, अच्छा। हां, चलो ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम जी भाई साहब। राम भाई साहब। राम राम। ठीक ठाक? हां जी, जमा ठीक है जी। के कुछ समीकरण से बन दे भाई साहब? समीकरण नु बन रहे हैं अपने दुष्यंत चौटाला सीएम बनेंगे, और अपना रामकुमार गौतम भाई
उप सीएम बनेंगे भाई। अच्छा जी, हाँ जी, पूरे तगड़े रुझान है। हाँ पूरे तगड़े रुझान है भाई। नानू दलका राम कुमार गौतम ने 25,000 वोटा था कम से कम जिता रहे भाई। कि मैं फाइट में दिख दे हो ना रहा, फाइट तो नहीं रहेगा, सारे जोड़ के भी इकट्ठे होंगे तो भी राम कुमार गौतम गणी आगे भाई इनते। अच्छा जी अच्छा, धन्यवाद जी धन्यवाद। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई साहब, ठीक ठाक है? बिल्कुल बढ़िया। आप क्या कहोगे, क्या रुझान से बनते दिखे हैं भाई? दुष्यंत चौटाला की है, सारे सारे युवा पूरा एक तरफा, हरियाणा के युवा एक तरफा। अच्छा जी, दुष्यंत चौटाला कैप्टन साहब के मुकाबले में दिखे हैं भाई? कैप्टन साहब की नड़े गुनम रुद्दी। अच्छा जी अच्छा, वोटे नहीं मांगता अगला, नड़े नहीं मुड़ती। और पार्टी आगे मेरे जान सा लगता हो बस, जेजेपी एक नंबर है। अच्छा जी चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी, और ठीक ठाक है? हाँ जी। या नारनौद में क्या रुझान से बनते दिखे? जेजेपी जिंदाबाद। जेजेपी, और कैप्टन साहब का कोई रुझान सा लगता हो? वो मुझे कुछ खास नहीं पता। अच्छा जेजेपी, मैं तो जेजेपी से कहना चाहता हूं। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई साहब, और ठीक ठाक है? ठीक ठाक जी। क्या कुछ रुझान है नारनौद में भाई साहब? मुकाबला है कौन कौन सी पार्टी का? राम कुमार गौतम का और इसका अभिमन्यु का जी, बीजेपी और जेजेपी। हाँ जी, तगड़ा मुकाबला है। हाँ जी तगड़ा ठोक। और कोई पार्टी दिखती हो टक्कर में फाइट में? जी ये दो हैं बस टक्कर में, कांग्रेस INLD BSP लोकतंत्र पार्टी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है जी, बस ये दो हैं। अच्छा, जेजेपी और ये बीजेपी। कैप्टन साहब ने काम करवाए हैं? हाँ जी, सार्वजनिक काम करवाए हैं, करवा रखे हैं सार्वजनिक काम। हाँ जी, खुश हो कैप्टन साहब? हाँ जी खुशी है। चलो जी ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी, और ठीक ठाक है? ठीक है। नारनौद में के रुझान सा दिखे जी? रुझान सा जी है बस जी, मारा है जमा भूखा। कौन? राम कुमार गौतम जी। अच्छा जी अच्छा। हाँ के रुझान, कौन सी पार्टी का रुझान है बताओ? हम तो फूल वालों को जी। कौन सी? बीजेपी। हाँ बीजेपी जी। तो टक्कर में दिखता हो बीजेपी के खिला? टक्कर में ये जर्सी की अर्श की टक्कर है जी, कैप्टन की। कौन सी पार्टी का है जी? यो चश्माले का जी वो। अच्छा, INLD की और बीजेपी की टक्कर है? हाँ जी। और कांग्रेस और पार्टी बता रही है जेजेपी, इनका क्या रुझान है? फैल है जी, सब फैल है। हैं फैल है सब। कैप्टन साहब हैं बस बस। हाँ कैप्टन साहब। बीजेपी हैं? हाँ इनकी दोनों है, दो है टक्कर है जी। कैप्टन साहब ने काम करवाए गांव में? हाँ काम खूब करवाए जी, खूब। हाँ जी, जिला का? हाँ जिला का जी। चलो खुश हो? हाँ खुश जी जमा। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। राम राम जी भाई साहब। राम राम, और ठीक ठाक है? बढ़िया। यहाँ नारनौद में के कुछ रुझान से लग गए जी, कोई पार्टी का लगता हो? कैप्टन आगे बताओ। कैप्टन साहब आगे हैं, किससे आगे हैं जी? गौतम दा। गौतम जेजेपी से? जेजेपी से कैप्टन साहब आगे दिख रहे हैं। अच्छा, और पार्टी आगे रुझान सा लग रहा है जी? कोई और कोई फाइट में नहीं है? INLD लोकतंत्र पार्टी ना, ना। और कोई फाइट दिखता हो? जेजेपी और बीजेपी की फाइट है, तगड़ी फाइट है। कैप्टन साहब 2,500 का फर्क पावा। अच्छा अच्छा, जो जीतेगा हारेगा 2,500 में हार जीत हो लेगी। अच्छा, मतलब दोनों का अच्छा तगड़ा रुझान है। कैप्टन साहब ने काम करवाया जी नारनौद में? ना काम को मतलब घी मैंने कराए हो, और कुछ सार्वजनिक काम या कोई और कुछ काम करवाया? नदी बनवाया दी। अच्छा जी अच्छा, ये सड़क बनवाया दी। अच्छा जी, रुझान भाई साहब, कैप्टन अभिमन्यु बहुत ऊंचा कद का नेता यहाँ से। अच्छा जी, क्लियर है? क्लियर, एक तरफा बीजेपी। हाँ बीजेपी। और कोई पार्टी दिख दी हो फाइट में? फाइट में थोड़ी बहुत है जेजेपी। अच्छा, थोड़ी बहुत फाइट में है। हाँ मतलब कैप्टन साहब अच्छी वोटा जीते हैं? अच्छी वोटा, जिस तरह विजेंद्र सिंह है लोकसभा में जीते थे नहीं? हाँ जी हाँ। इस तरह जीतावा है। अच्छा जी, और कोई दिखती हो पार्टी लोकतंत्र पार्टी आए ना? और कोई फाइट में ना जी, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के बाद के पास PM का चेहरा बढ़िया नहीं है। अच्छा जी अच्छा, इसलिए कांग्रेस बिल्कुल डाउन है। चलो जी चलो, क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रीय पार्टी की तरफ पढ़ा लिखा वर्ग बढ़ नहीं रहा। अच्छा जी अच्छा, जो सेंटर में उसे पार्टी ने चाहो? हाँ उसे पार्टी ने चाहो लोग। चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये देखे आपने नारनौद के रुझान। अंत में आपसे ये अनुरोध, प्रॉफिट की बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।